काहे गई चिंता गई मनुआ बे परवा, जिसके अंदर चाहे नहीं वही सहंसा। चाहे अगर चित्त से चली गई तो आप सहंसा है, और चाहे बहुत खतरनाक हो तो याद रखिए गुरु के चरणों में शांति, भगवान के चरणों में शांति मिलती है। इसलिए गुरु चरण को पकड़ना नितांत आवश्यक, अति आवश्यक। और ये चाहे है याद रखना मेरे पागलों, तुम आज अगर दो कमरे के मकान में लेट रहे हो, रह रहे हो, स्वभावश तुम्हारे मन में ये कौतुक होगा कि चार कमरा बन जाए। तुम अगर बाइक से चल रहे हो, तुम्हारी चाह होगी कि मुझे कार मिल जाए। जिन पे कार है उनको नई नई कार लेने का शौक है, जिन पर स्विफ्ट डिजायर है वो चाहते हैं कि मैं इनोवा लूं, जिन पर इनोवा है वो चाहते हैं मैं फॉर्चूनर लूं, जिनके पास फॉर्चूनर है वो चाहते हैं मैं रेंज रोवर लूं, जिनके पास रेंज रोवर है वो चाहते हैं मैं फरारी लूं, उसके बाद BMW लूं, उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो ये ना चाह रहा हो कि इसके आगे ना हो। तुमने अगर एक मकान कंप्लीट कर लिया तुम दूसरे शहर की तैयारी करने लगते, अपने आप करना नहीं पड़ता करने लगते। तुमने एक काम कंप्लीट किया नहीं दूसरा काम प्रकट हो जाता है। तुम शादी कर ही नहीं पाओगे, शादी के बीच में ही तुम्हारे मन में कौतुक आने लगेगा कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है। ये जिंदगी है, जिंदगी में आवश्यकता कभी पूर्ण नहीं होती है। आवश्यकता का मतलब खोपड़ी, खोपड़ी में सदैव ये बात कौतुकता के साथ रहती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हें ये वो प्राप्त करना ही रहता है। याद रखो जीते जी मरने की तैयारी कर लो तुम। मरने का मतलब शरीर छोड़ना नहीं, मरने का मतलब है पूरी जिज्ञासाओं को परमात्मा के चरणों में छोड़ दो और कह दो मुझे टेंशन नहीं लेना, मेरी जिंदगी तेरे हवाले है, अब जो तुझे देना हो सो दे। आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिला है। आप अगर इस सूत्र को अपनाओगे तो आप पाओगे जिंदगी में आपने बहुत कुछ पा लिया है। खोना तो कुछ होता ही नहीं। आप कहते हो कि मैं घाटे में हूं, हम कहते हैं कि आप कभी घाटे में हो ही नहीं सकते। कोई भी संसार का व्यक्ति घाटे में नहीं हुआ आज तक, आज तक जितने जीवंत व्यक्ति हैं आज तक कोई भी व्यक्ति घाटे में नहीं।